हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे। मैं निषाद पूरा अपने सहयोगी सुरेंद्र कुमार के साथ में आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो के दौरान सुरेंद्र जी वो सारे तमाम क्वेश्चन हमसे पूछेंगे जो आपके क्वेश्चन होते हैं, यानी कि जो आपके प्रश्न होते हैं, जो आपके डाउट होते हैं हिसार की ई ऑक्शन की वो प्रॉपर्टीज़ को लेकर जिसमें आप इन्वेस्ट करने का प्लान करें। हिसार के जो सेक्टर्स के HSVP हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के सेक्टर्स में जो निवेश करना चाहते हैं, आपके जो प्रश्न रहेंगे उन सभी का जवाब देने की हम यहाँ पर कोशिश करेंगे। तो बताइए सुरेंद्र जी, आज आप क्या पूछने वाले हैं? आज बहुत कुछ पूछने वाला हूँ निशांत जी। नमस्कार दोस्तों, पहले तो सर ये बताइए, आप जैसे सेक्टरों के बारे में डायरी डायरी बोलते हैं कि ये रेट बढ़ेंगे वो रेट बढ़ेंगे, ठीक है, तो ई ऑक्शन से ही बात कर लेते हैं। ई ऑक्शन की अभी सर जैसे सेक्टर 24 में बोली गई है, अभी ई ऑक्शन की 7 तारीख को मेरे ख्याल से हुआ था, और 8 मरले का प्लॉट सर 1 करोड़ और 1 27 लाख, 1 करोड़ 28 लाख पर बोली गई है 2 प्लॉटों की, ठीक है। तो कैसे लोग सर अपना ई ऑक्शन के जरिए या वैसे नॉर्मली इनसे सस्ते अभी कैसे खरीद सकते हैं? ये तो सर नए सेक्टर के ही रेट इतने हो चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए दोस्तों आपको मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ। जैसे सेक्टर 24 के अंदर 7 तारीख को जो ऑक्शन हुई थी उसमें 3 प्लॉट दिए गए थे, 65, 66 और 67, जिसमें 2 ऑक्शन के ऊपर छूटे थे। 50 लाख रुपए से बेस प्राइस 50 लाख रुपए रखा था, वहाँ से बोली स्टार्ट हुई थी। एक प्लॉट गया 1 करोड़ 27 लाख समथिंग का, 1 28 से ऊपर का। बिल्कुल सर, अब आपका क्वेश्चन ये है कि हम ई ऑक्शन के जो प्लॉट है वो सस्ते रेट पे कैसे वो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। देखिए जब ई ऑक्शन होती है ना, तो जो हमारे व्यूअर हैं आप सभी को मैं बताता हूँ कि आपने ई ऑक्शन पे नई ऑक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करना। आप क्या करें, आज से 5 महीने 4 महीने पहले जो ऑक्शन पे प्लॉट छूटे थे वो मार्केट में अवेलेबल है और आप उनको परचेज करो। जैसे क्या है कि आज मान लो 8 मरले का जो प्लॉट है उसका वहाँ पर सेक्टर 4 में मान लो 67-68 हज़ार रुपये 70 हज़ार रुपये के रेट है। फॉर एग्जांपल, उदाहरण के तौर पर मैं दे रहा हूँ, मैं कहीं के आपको रेट्स इस वीडियो के दौरान नहीं बताऊँगा क्योंकि बहुत कंट्रोवर्सी हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल कोई रेट है, अब जो ई ऑक्शन पे 5 महीने 7 महीने पहले छूटे थे उनको क्या होता है कि वो प्लॉट जब रीसेल के लिए आता है मार्केट में उसका बायर बहुत कम होता है। जी, ई ऑक्शन के प्लॉट के जो डिमांड है वो कम रहती है एज कम्पेयर टू जो नॉर्मल अलॉटमेंट के जो प्लॉट होते हैं उनकी अपेक्षा। ऐसा क्यों है? तो आप वो भी मैं बताऊंगा। तो आपने करना क्या है कि जो 5 महीने 6 महीने पहले के जो ई ऑक्शन के प्लॉट थे ना उनको आप बाय करें, वो आपको मार्केट रेट से 2,000 रुपये सस्ते मिल जाएंगे। जी जी, ठीक है ठीक है। तो आपने ई ऑप्शन के भी हो गया, आपकी रिक्वायरमेंट थी क्योंकि आपको बैंक लोन करवाना है ज़्यादा और आपको प्लॉट भी सस्ता मिलता है, वो मार्केट रेट से ऐसे सस्ता मिलता है, तो आप वहाँ पर ट्राई करें, ना कि नए ऑप्शन में पार्टिसिपेट करें, ऐसा ना करें, ठीक है। नए ऑप्शन में और बहुत लोग हैं जो पार्टिसिपेट करेंगे उनका छूटेगा बाद में, अगर हमें अगर मान लो मार्केट रेट से सस्ता खरीदने के लिए वो चीज़ करें। नेक्स्ट, ई ऑप्शन का सस्ता क्यों मिलता सर, ये बताओ ना पहले। ई ऑक्शन की डिमांड कम होती है, जो अलॉटमेंट का प्लॉट होता है उसकी डिमांड ज़्यादा होती है क्योंकि वहाँ पर इन्वेस्टर भी खुल के पैसा लगाता है, देन उसके बाद में जो बिल्डर्स आते हैं वो भी वहाँ पर उसको प्रायोरिटी देते हैं कि जो वो प्लॉट थे यानी कि जो अलॉटमेंट के प्लॉट थे वो, ठीक है, वो इसलिए हमें सस्ता पड़ता है। और कुछ एक कारण है, सारे कारण मैं आपको वीडियो में नहीं बताऊंगा, जब आप ऑफिस में आओगे तभी बताऊंगा। अगर सारे लूप होल हमने खोल के रख दिए तो फिर आप लोग हमारे पास आना बंद कर दोगे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझ सकता हूँ उस चीज़ को। चलो वो बाद में आपको डिटेल में समझाएंगे। तो अभी ये बताइए सर, अपने पास में सेक्टरों की कितनी अवेलेबिलिटी है, मतलब सेक्टर 9-11 लगा लो, 5 लगा लो, 16-17 लगा लो, 1-4 लगा लो। देखिएगा अवेलेबिलिटी की बात तो मैं बात करूँ सेक्टर 1-4-5-3, इन सेक्टर्स के अंदर तो भरपूर मात्रा में आपको प्लॉट हमारे पास में मिल जाएंगे। आप 4 मरला 6 मरला 8 मरला 10-14 और 1 कनाल तक के प्लॉट्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे,
और रही बात सेक्टर 911 की, सेक्टर 911 में दो मरले का स्टार्ट होता है, दो मरला, चार मरला, छः, आठ, दस और 14 और एकना, तो सारे प्लॉट सारे साइज में अवेलेबल हो जाते हैं। आप अलॉटमेंट के लेना चाहेंगे अलॉटमेंट के मिल जाएंगे, ऑक्शन के छुटे हुए लेना चाहेंगे अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो आपको ऑक्शन के प्लॉट भी मिल जाएंगे। तो ये सारे प्लॉट्स में कोई दिक्कत नहीं, सेक्टर 1, 4, 5, 3 और 9, 11 इनमें कोई दिक्कत नहीं आती। हाँ दिक्कत आती है थोड़ा सा 16, 17 में, थोड़ा सा कन्फर्मेशन और उसमें क्या होता है कि जैसे कोई प्लॉट की अवेलेबिलिटी कम है, ठीक है, वहाँ पर क्या होता है कि डिमांड ज़्यादा होती है और वो फिर अब कई बार क्या होता है कि जो सेलर है वो अगर रेट ज़्यादा लिखवाता है तो हम उसको नोट नहीं करते हैं, हम नहीं चाहते कि भाई अनाप शनाप रेट के ऊपर हम प्लॉट, तो फिर मैं कहता हूँ कि इतने हाई रेट्स के ऊपर ना, क्योंकि वो कम है उसकी मात्रा, डिमांड वो सेल के लिए कम आते हैं, ठीक है। तो इन सेक्टर्स में भरपूर मात्रा में प्लॉट अवेलेबल है, यहाँ पर आप लीजिए। सेक्टर 14, 33 की क्या अवेलेबिलिटी सर अपने पास? सेक्टर 14 पार्ट 2 और 33, अगर इनकी मैं बात करूँ तो 33 में आपको मैं इस टाइम पे आज के डेट में अपने पास में 8 मरला, 6 मरला, 4 मरला, 14 मरला और एक कनाल के प्लॉट आपको मिल जाएंगे, मतलब सभी की अवेलेबिलिटी। हाँ सारे सारे वो मिलेंगे आपको यहाँ पर, मतलब ई ऑक्शन पे जो अभी छूट रहे हैं उनसे कम। ई ऑक्शन तो काफ़ी मिल जाते हैं अपने को, जो पुराने ई ऑक्शन पे आज से 5 महीने पहले जो ऑक्शन पे वो तो भरपूर मात्रा में मिल जाते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर, चलो बढ़िया है। और पूछिए क्या आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं? और सेक्टर 5 में अगर आज कोई इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करता है तो देखिए, अगर आज के इन्वेस्टमेंट के तौर के अगर मैं बात करूँ सेक्टर्स में जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ कि आज के समय में सेक्टर 5 में इन्वेस्टमेंट करने का सबसे बेहतरीन मौका है, क्योंकि ओवरऑल पूरे ऑल ओवर हिसार के अंदर बात करें तो जो सेक्टर 5 है वो कम रेट के ऊपर यहाँ पर प्रॉपर्टीज अवेलेबल है। उसके कारण है, उसके कुछ एक कारण है, उसका कारण ये, एक तो देखिएगा वो डिफेंस सेक्टर है, वो डिफेंस सेक्टर होने की वजह से जो इसमें स्टार्टिंग में अलॉटमेंट हुई थी, जिनको प्लॉट अलॉट हुए थे वो डिफेंस पर्सनल है, और वो क्या है कि जैसे यहाँ पर सिटी के अंदर नहीं है तो वो इतना ज़्यादा उसके पास टाइम नहीं होता हर रोज सेल परचेज करने का, तो उनके पास जो उन्होंने प्रॉपर्टी ली थी वो लेके रख दी और ज़्यादा खरीद फरोख्त नहीं होती, जिसकी वजह से क्या होता है कि रेट मार्केट में कंट्रोल रहता है। 5 के अगर मैं बात करूँ 8 मरला, 14 मरला और एक कनाल के जो प्लॉट है, तो यहाँ पर क्या है कि वो जैसे ऑफिसर्स के हुए थे उस टाइम पे, मेजर मेजर वगैरह थे, मेजर कैप्टन मेजर, आज के टाइम में वो कर्नल एंड अबाव रैंक्स पे पहुँच गए, तो उनके जो प्लॉट्स हैं वो अवेलेबल हो जाते हैं जनरली। अब क्या होता है कि जैसे कोई जे एंड के में या फिर मैक्सिमम जो ऑफिसर्स होते हैं वो कोशिश करते हैं भाई कोई गुड़गांव सेटल हो गया, देन कोई चंडीगढ़ की तरफ में हो गया, कोई पंचकुला की तरफ में हो गया, तो वो प्लॉट को सोचते हैं कि इनको निकाल दें, तो इस वजह से भी क्या है कि वहाँ पर रेट जायज रेट में प्रॉपर्टी आज के टाइम में मिल जाती है, ये कारण। देखिए दोस्तों, जैसे कि सर ने बताया, निशान जी ने बताया कि सेक्टर 5 में इन्वेस्टमेंट का अच्छा टाइम है और भरपूर मात्रा में 8 मरला, 10 मरला, 14 मरला और 1 कनाल के प्लॉट। 8 मरले की तो देखिएगा, मैं आपको दिखाता हूँ, ये एक ही लाइन है, इसमें बहुत ज़्यादा लाइन है नहीं सेक्टर 5 में, और थोड़ा सा क्या है कि वो इसके बैक साइड में हो गया, एक 2-3 मेजर कारण है, ठीक है। एक हो गया कि वो चौधरी सूरजमल कॉलोनी के थोड़ा सा टच में आ गया, नेक्स्ट उसके थोड़ा सा EWS के, तो कुछ इस वजह से क्या है कि वो थोड़ा रेट में जायज मिलता है, रेट थोड़े से कम है। कंस्ट्रक्शन को देख के भी रेट बढ़ते हैं, जैसे सेक्टर 4 में अभी कंस्ट्रक्शन काफ़ी तेज़ी से हुई तो वहाँ पर रेट थोड़े और ज़्यादा हो गए, 9-11 में हुई तो वहाँ हो गए, 33 में एकदम से बढ़ा तो वहाँ पर हो गया, तो इस तरीके से होता है। अब वहाँ पर जब कंस्ट्रक्शन नहीं करते, किसी भी उसको कस्टमर को हम लेके जाते हैं वो देखते हैं यहाँ कंस्ट्रक्शन नहीं, लेकिन उसको मुख्य कारण नहीं पता कि क्योंकि ये डिफेंस पर्सन के प्लॉट हैं, इस वजह से वो क्या होता है कि आउटर में रहने की वजह से, या फिर कोई रेवाड़ी में, कोई भिवानी के हैं, कोई जींद से हैं, तो वो यहाँ पर मकान बना नहीं रहे, उन्होंने लेके जस्ट रखा है और उसके बाद में अपना सोल्ड आउट, धीरे धीरे आ जाते हैं वो मार्केट के अंदर अवेलेबल हो जाते हैं। सेक्टर में आज कोई जैसे 5 बताया हमने, 1 बताया, 4 बताया, 4 पार्ट 2 बताया, ठीक है सर,
तीन बताया या जो भी सेक्टर है, अगर कोई प्रॉपर्टी सेक्टर्स को अपेक्षा जिसने इन्वेस्ट करना है, पैसा जिसने लगाना है, वो कहाँ लगाएगा आप खुद बताओ। अगर आपको मैं बोलूँ कि आपके पास में 1.5 करोड़ रुपया है और आपको अगर बता दें कि आप पैसा इन्वेस्ट करो, ठीक है, अप्रूव्ड जगह पे, तो आप बताओ सेक्टर को अगर मैं ऑप्शन हटा दूँ तो फिर आप कहाँ है, कोई ऐसी लोकेशन जहाँ पर आज के दिन में आप इन्वेस्ट कर पाओगे बताइए। रजिस्ट्री वाली जहाँ पे जो अच्छी लोकेशन की कहीं मिलेगी या तो सेक्टर तो है नहीं। हिसार के अंदर 80% जो कॉलोनीज है 80% कार्ड की हैं, तो वो जो बंदा रजिस्टर अप्रूव्ड जगह में जिसको फाइनेंस करवाना है, जिसको लोन करवाना है, वो कहाँ जाएगा, वो सेक्टर्स के अंदर ही जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए सेक्टर के अंदर अभी भी पीक नहीं है। और आप कंस्ट्रक्शन देखिए ना, सेक्टर 4 के अंदर कितना अभी तक हार्डली 45% कंस्ट्रक्शन हुआ। जैसे जैसे बढ़ेगा कंस्ट्रक्शन बढ़ेगी तो वहाँ पर डिमांड बढ़ती जाएगी। अभी तो बिल्डर वहाँ पर नहीं घुसा है, जिस दिन ये पुल का काम कंप्लीट हो जाएगा आप देखिएगा बिल्डर भी वहाँ जाएगा और इसके डिमांड भी बढ़ेगी, जो बड़े प्लॉट्स हैं उनकी भी डिमांड बढ़ेगी। बिल्कुल, जब आप उसके रेट देखिएगा। देखिए दोस्तों, जैसे ही पुल का काम खत्म हो जाएगा तो मे भी 3,000 से 4,000 रुपए के रेट सेक्टर के जितने भी नहीं, हम अभी कोई रेट का आपने बताया कि कितना बढ़ेगा वो चीज हम नहीं बताएंगे, क्योंकि उस वो फिर एक वो हो जाता कंट्रोवर्सी पैदा होती है, ठीक है। तो वो हमने आपको इशारा दे दिया, इशारा बता दिया, बाकी सारी डिटेल है ना, डिटेल में जानकारी आप तो जब आप हमारे ऑफिस में आएंगे ना तब देंगे सारी बातें। अगर हमने इस पे बता दी वीडियो के तो ऑफिस में कौन आएगा, आप आओगे नहीं, वहाँ बैठे बैठे मास्टर बन जाओगे। तो हमें क्या है, आपको उतनी नॉलेज देंगे जितनी आपको ज़रूरत है आपकी, क्योंकि प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो आप उसमें आपको पता होना चाहिए कि क्या चल रहा है, क्या दौर रहा है। और मेरी राय ये है कि देखिए, जितने भी लोग हमारा वीडियो देख रहे हैं, तो मैं आपको बताता हूँ कि हिसार के अंदर अभी भी आज के डेट में भी अगर आप इन्वेस्ट कर लोगे पैसा, तो आप बड़ा याद रखोगे कि हाँ 2 साल बाद 3 साल बाद का जो रिटर्न रहेगा वो देख करके आप बड़ा अच्छा वो करोगे कि हाँ हमारा राइट डिसीजन था, सही समय पर हमने सही डिसीजन ले लिया। क्योंकि अभी तक आज की डेट तक मुझे नहीं लगता कि हिसार की प्रॉपर्टी में किसी भी प्रकार का कोई रुकावट आने की कोई संभावना, ऐसे कोई समीकरण बन ही नहीं रहे। जब तक ऐसा कोई समीकरण नहीं बनता तब तक हम कैसे कह सकते हैं, ठीक है। और रही बात महंगाई की, तो महंगाई ये नहीं कि सिर्फ प्रॉपर्टी में बढ़े, हर चीज़ में बढ़ रहा है। आप पेट्रोल, आप उसके बाद खाने का सामान, हर एक चीज़ में रेट बढ़ रहा है, ठीक है। मैं आपकी बात से एग्री हूँ कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा रही है सरकार, तो उससे कितना फर्क पड़ेगा, क्योंकि मैक्सिमम लोग जो कॉलोनीज के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि ब्याज दर बढ़े या घटे, क्योंकि उनके तो अलग ही सोर्स ऑफ इनकम है, वो अपनी इन्वेस्ट करते हैं वहाँ पर। लेकिन बहुत ज़्यादा फर्क इसके ऊपर नहीं पड़ना, तो आज का समय भी बिल्कुल सही समय है प्रॉपर्टी में निवेश करने का। आप बेहिचक कीजिए, क्या हो गया अगर मान लो स्टैटिक भी होगा तो 2 महीने 4 महीने या साल 2 साल के लिए हो जाएगा। वो दिन गए, वो कल्चर ही चला गया कि जो जहाँ पर 10-10 साल के लिए प्रॉपर्टी रुकती थी, 10 साल के लिए अब कहीं भी प्रॉपर्टी रुकने वाली नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप बेहिचक निवेश कर सकते हैं अपना। देखिए दोस्तों, छोटा छोटा निवेश करते रहिए और आने वाले टाइम में फ्यूचर में आपको बहुत अच्छा। आपने कुछ नहीं करना, आपने करना क्या है, जैसे अपने बच्चे के नाम एक FD करवानी है, आप उसके नाम पर एक प्लॉट खरीद लीजिए। नेक्स्ट आपके बच्चे का, किसी का, आपकी वाइफ का जन्मदिन आता है, आप उसको गिफ्ट में गाड़ी वाड़ी मत दो, आप उसको एक प्लॉट खरीद के दे दो। बिल्कुल, ठीक है। जब आपके बच्चा बड़ा होगा, यानी कि जब उसको बाहर कभी आपको जैसे मान लीजिए हायर एजुकेशन के लिए जाना पड़े, MBBS करना हो या फिर बाहर कंट्री में भेजना, तो आप उसके लिए एक प्लॉट की FD करके छोड़ दो और जब जाना होगा तब आप उसको बेच के और उसमें इस्तेमाल करें पैसा। तो ये तरीका है प्रॉपर्टी में निवेश करने का, ठीक है। मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोग गाड़ियाँ गिफ्ट करें, अरे गाड़ी किस लिए गिफ्ट करें भाई, इसमें तो आपको एक और लायबिलिटी आपकी बढ़ गई। तो आपने करना क्या है, अपने गिफ्ट में प्रॉपर्टी दे दो, ठीक है। निशांत जी बड़े बुजुर्ग बोलते हैं ना, धरती माता और माता कभी भी मतलब धोखा नहीं देगी। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात 100% सही है। धरती माँ और हमारी माँ, साल पहले 11,000 ये रेट थे, 15,000 इसका मैं आप एक भी बात, कभी भी आप मत बोलो कि 2018 में ये था, 17 में ये था, मैं ले नहीं पाया, मैं छोड़ नहीं पाया, उस चीज को भूल जाओ, जो था वो था। भूतकाल से बाहर निकलो,
वर्तमान काल में जियो, आज जो है वो ले लो बस। मेरा तो ये कहना है कि फिर 2024 में ये बोलेंगे कि 2 साल पहले ये रेट थे। 2024 में आप बोलोगे कि किस कोई वीडियो बनाता था, कोई वीडियो में बोलता था अरे प्रॉपर्टी ले लो, और हमने उनकी बात नहीं मानी, हमने उनकी बात को इग्नोर किया, हमने प्रॉपर्टी नहीं ली, आज देखो जी कितनी महंगी होगी। तो आपने ऐसा नहीं करना, आपके पास जो मिल रहा है जो पूंजी है वो निवेश कर लो, ले लो जो लिया जा। देखिए दोस्तों 5% भी आप इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने जानकारों तक ये वीडियो शेयर करें, और नीचे कमेंट में लिखें आपके अगर कोई क्वेश्चन है, आपकी कोई क्वेरी है। एक चीज बोलना चाहूंगा, कमेंट कम करते लोग, प्लीज कमेंट कीजिए वीडियो को देख के आपको कैसा लगा, और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। निशांत जी भी बहुत ही कम बार बोलते बेचारे शेयर करने के लिए, अपने जितने भी आपके दोस्त डीर डीर है उनको आपको अच्छा लगा होता, ऐसा नहीं है मेरा। मैं तो इसलिए शेयर और उसके बारे में नहीं बोलता भाई, सिंपल सा है, आपको अच्छा लगे, अगर आपको लगे कि भाई मेरा भाई है उसका भला हो जाए या किसी का जान, तो कर दो भाई शेयर, है ना, और नहीं तो अपना देखो। और बल्कि मैं तो आपको ये बोलता हूँ शेयर वेयर के उसमें कम ध्यान रखो, बल्कि ऑफिस में आके अपना पूंजी अपना इन्वेस्ट कर लो। नहीं अपने जो नीर डीर जितने भी है, देखो सर उनको भी हर किसी को चाहता भी अच्छा प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट, तो उनके पास में आप शेयर कर सकते हो, हर किसी के पास में, हम भी नहीं बोल रहे। घर से बाहर निकलो और पूंजी निवेश करो, और उसके बाद आप उसका रिजल्ट का इंतजार करो, ठीक है, जो रेट ऑफ उसका आपको इन्वेस्टमेंट आपको मिलेगा, ROI आपको मिलेगी, उसका आप इंतजार करो और अपनी जिंदगी को कूल और मस्त तरीके से जियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार, धन्यवाद।